शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा इवेंट क्रिएट किया और हमें मौका दिया कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकें। और इस तरह सदर साहब ने फरमाया कि तो सबसे बड़ी खिदमत यही है इस वक्त कि जो हमारा मुस्तकबिल है उसकी तामीर करना, उसको तरबियत देना, क्योंकि आज जहाँ मैं हम लोग बैठे हैं कल को ये जगह आपने संभाल ली है और आज अली ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई और वो कुछ आप तक ना पहुँचाए जो हमारे पास है तो शायद आने वाले वक्त में मुआवजा कर सके। तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। मेरे सामने आए थ्री चैलेंजेस, मेरे चैलेंजेस नंबर वन, ये आप लास्ट में स्पीकर होते हैं तो फिर समय नहीं आता कहना कि और खत्म ना होता। दूसरा चैलेंज ये है कि मैं इसी के लिए सिटिंग है एंड चैंपियन ऑफ क्रिमिनल लॉ जस्टिस कोलम, तो उनके सामने क्रिमिनल लॉ के ऊपर बात करना सूरज को चिराग लगाने के बराबर होगा। इवन देन इन दिस कमीशन इन दो वी हैव अ लॉर्डशिप, आई विल ट्राई टू शेयर माय व्यूज। एंड थर्ड चैलेंज इज दैट after heavyweight speeches of 200 son and father and then the my expecting brother mein aap log ka raj ka mein itna successful postmortem kar liya hai jo hai lost tha, I have nothing to say, lekin kanoon padhna is too easy but my belief is that you must know that what is the origin of the law, how it is developed and how in 2018 this was enacted and how we in 2021 still discussing validity like of law. अच्छा जज अच्छा वकील कोई होता है जिसको पता हो कि सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाते हैं मेरे जान को पहुंचे। मैं आज आपके सामने ये खड़ा हूँ क्योंकि वहाँ से इस आने में आई नो व्हाट डिफिकल्टी आई फेस्ड, मेरी एलिस जाती किसका मुश्किल आए। सो अगर आपको एलिस मुश्किल नहीं होता तो इसका कमेंट कॉमी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे चुका हूँ कि लॉ में तो मेरा ख्याल है कुछ रहने को कहा नहीं है, मेरे पास नहीं रहा कुछ कहने को, बट आई वॉन्ट टेल यू कि ये जो चेटना राइट्स का मामला है जो नया नहीं है, इवन 1800 ये सोच दुनिया में बदलाव हो चुकी थी कि बच्चों के हकूक का तहफ़ कैसे करें। 1800 स्लेवरी, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन जो आज हम दिखा रहे हैं उसको बचपन का साधन मूवमेंट
female get pregnant, they have this responsibility. वो खातून को नहीं बचा रहे, वो तो अपने फ्यूचर को बचा रहे कि हमारा आने वाला फ्यूचर सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना और हमारी कौम के लिए कल को भाई से फखर और भाई से इज्जत बन सके। एनी हाउ ये मूवमेंट चलती रही। एक कहा जाता है कि एक जो व्हाट इज द बेस्ट फॉर अ चाइल्ड, तो अच्छा फ्यूचर दे दे, अच्छी ग्रूमिंग दे दे, अच्छी डेवलपमेंट दे दें, इंटेक्ट दे दें, एजुकेशन दे दें। बट आई लाइक टू रेफर हियर द फेमस पोएट ऑफ चिली गैब्रियल मिस्टर या नोबल ने उसकी चंद्र आज अगर पूछ रहे मैं जरूर पढ़ा जाऊंगा। एक दस मोटिवेट हुआ हुआ है ये फेमस पोएट ही सेड अबाउट द चिल्ड्रन वी आर गिल्टी ऑफ मैनी एरर्स एंड मैनी फॉल्ट्स बट आवर वर्स्ट क्राइम इज abandoning the children and neglecting the foundation of life. Many of things we need can wait, the child cannot. Right now is the time his bones are being formed, his blood is being milked and senses are being developed. To him we cannot answer tomorrow, his name is today. ये चीनी कैसे कहा बच्चा आपको कहता है कि मुझे बाजार जा रहा हूँ मुझे खिलौना चाहिए मुझे लेके दे आपके लिए पैसे हैं क्या नहीं। I can't wait मुझे डेट ही चाहिए। I don't need a helmet क्यों ना प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो मैच्योरिटी ही इज नॉट इन पोजीशन टू डिसाइड। एनी हाउ आप आ जाते हैं थोड़ा सा आपके मैं अभी कर दिया हूँ बाल क्या बतौर बुकला हम बच्चों के केसेस में वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। राइटली पॉइंटेड बाय माय ब्रदर पीसी प्रोसिक्यूटर एंड प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट एंड पुलिस लेकिन वो इस पे बात को भूल गए व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको कांग्रेस में अपन होने की जिम्मेदारी कांग्रेस का इलेक्शन और था यूएस का 1800s कांग्रेस का इलेक्शन था और कहते हैं जिस दिन जो उसका मेन कैंडिडेट था उसकी स्पीच थी बेस्ट उसका पे मैंने होता कि चल की स्पीच में नहीं करूंगा उसको कैंसिल कर दो पूरा इलेक्शन उसी स्पीच पे डिपेंड था। उसके हाथ में लेटर था और लेटर में ये था कि किसी बच्चे ने कोई ऑफेंस कमिट किया और बच्चे को डिफेंड करने वाला कोई नहीं था और लेटर उस फैमिली की तरफ से था जहाँ उस कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से उस फैमिली को सर्व किया। कहते सुबह वो चला 20 किलोमीटर्स ऑफ फीट ही वेंट टू द कोर्ट हाउस और पीछे जाकर बैठ गया। चाइल्ड वाज सिटिंग इन द डॉक एलिगेशन ये था उस साइड पे एक आयरिश यूअर मेजर पर्सन और बच्चे को सुनाल रखा हुआ उसने बच्चे को बुरा कला था वो पिच शॉप होते हैं खाला कहते हैं जल्दी कर के तुम्हें कौन वो बच्चे के लगा बच्चे ने उसे ना उसकी मारा वो आरिस की मैं ट्रायल शुरू हुआ वकील साहब आ गए उन्होंने कहा माय लॉर्ड आई वांट टू आई विल बी ग्लैड टू बी द एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ दिस पुअर बॉय। केस शुरू हो गया खत्म हो गया no cross examination, no witness produced by defense, nothing. But the on conclusion, जो उसने jury को address किया वो आपसे पता रखना चाहूँगा to tell you कि how important is the lawyer when you are dealing in case of a child, a juvenile. What he said, this is very important. Please listen. He said a few lines. Gentlemen, the jury, I will call more witness and give no argument. I will not follow the conventional procedure. All I am going to do is to tell you a story I have been and then leave the case in your hands. Gentlemen of the jury, the story of the bomb hospitality, hardworking nature, courage and fortitude of these prisoners, improvised family for whom I worked some 15 years ago. I have seen great affection the parents had for the accused
and miserable condition which forced the family to get their little children to work for their threat. At the end of the jury, I was to deliver an report. I was to deliver an important election speech this morning at a nearby town on which would rest the best result of my election. I made a mission. The failure of it so turned out to be deadly on the altar of his wife's safety. It is for you to give him that safety. I said when it began that I should try this case in a manner not customary. I said I have no argument to set before you. I have told this story. You know that at an age when the wise hand should have been had school books or finishing bread, they had the man's too, which was his undoing. You know how the child was hounded by a grown man. Till the desperation he used that tool at. You know these things as well as you. All I ask is that you deal with the little fellow as you would have another one deal with the little fellow of your own at home. I trust his wife to the best gentleman of duty. I rest my case. All for the instance, he was the prime leader. And after 30 minutes, the decision of jury was not guilty. He has the duty which he has to do. Before the case comes to me, there are countless stages. And you are involved in day one. So this will be our brother. Well, constitution आ गया हमारा उसमें चाहे के वाले से बातें काफी सारी होती हैं anyhow 2000 में we got a law that is called the Juvenile Justice System Ordinance and then we have of the Act 2018 right is said by the brothers in landmark law अब जितनी मैं बातें कर रहा हूँ please don't take it as a judge of the High Court this is my personal view it's a good law but it is such a bad law The court does not answer many challenges in such cases. But actually, ये जैसा भी है आ गया। अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। You know that इस लॉ में 27 established rights हैं जो हैं 27 guaranteed rights। पहले आपको बताऊंगा और मैं नंबर थ्री, we will find that how far away we are to get implemented those rights to guarantee those rights to be there. 27 rights which you don't find in normal cases. Rights can still be right of legal assistance in marriage goes to the matter. And legal assistance by whom? By an advocate qualified and having the experience of at least 7 years at the bar. So, ये देखिए किस तरीके से बच्चे के हकों का तहफ्फुज़ किया जाता है अदरवाइज तो एक बंदा जाए किसी 6 महीने के बालकों के घर के गए नहीं तहफ्फुज़ के एक क्वालिफाइड मिशनर लाइट देन राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट दिस अरेस्ट विदिन 24 आवर्स बच्चा पकड़ा गया तो जिम्मेदारी 24 घंटे इंतजार करने की वजूहत से आपको पकड़े जाने की देन यू सी राइट टू हैव सर्विस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर राइट टू बी हेल्प इन ऑब्जर्वेशन ऑन सेट माय ब्रदर Right of information to his guardian, right to inform the probation officer, right of arrest, under right of no arrest under the preventive laws, then right to referring the matter to the Juvenile Justice Committee, right of interrogation by a police officer, not beyond the length of some inspector, and definitely right to refer it to our neighbor country. जहाँ पे 2000 में ये एक्ट आ गया था और वो कितना डेवलप हो चुके वहाँ पे इस तीन साल में अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं इंडिया में दिल्ली पुलिस ने एक ऑर्डर जारी किया जिस ऑर्डर दिल्ली पुलिस ऑर्डर नंबर 90 ऑर्डर 68 इट वाज एक्सक्लूसिवली डीलिंग दैट हाउ द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंडक्टेड टू द चाइल्ड उन्होंने बकायदा स्पेशलाइज टीम तैयार की अपनी पुलिस उन लोगों को सिलेक्ट किया विच आर जो लोग बड़े हम्बल थे जिनका करेक्टर एटीट्यूड था
जो बच्चे की साइकिल को समझ सकते थे दे वर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस एंड नॉट ओनली दिस देन दे गिव गाइडलाइंस क्या गाइडलाइन थी क्या नाम लिखा करते बच्चे को थाने में नहीं बुला गोड हिज हाउस फॉर इन्वेस्टिगेशन आपने बच्चे को इन्वेस्टिगेशन करके ये बावन नहीं कराना कि तुमने चोरी की है पत्थर की है डोंट इम्पोज हिम सच इंप्रेशन आप उतनी बार पहले सच अगर बच्चे पता लगेगा तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा बहुत सारी बातें यहाँ तक का कि बच्चे को अगर 10 दफा भूख लगे तो आपकी जिम्मेदारी उसको 10 दफा खा रखना है उसको वॉशरूम के वो कह रहे सोना तो सोने और इस सॉफ्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें बच्चे के ऊपर ऑनलाइन लॉन्ग करके बहुत सारे लॉन्ग देन वी सी राइट ऑफ इंटरोगेशन राइट ऑफ एक्सक्लूसिव ट्राय ज्वाइंट ट्राय का सर्टिफिकेट किस पर आ गया तो ये अगर आपको चाहिए तो दे दूंगा फिर टाइम बड़ा कम है मुझे पता है माय गॉड माय शी दिस इज द ऑलरेडी ये सेटिंग है जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट इसको सारी